आदाब अर्ज़ अहबाब, मैं हूं अलीम ताहिर। आप देख रहे हैं अलीम ताहिर पोइट्री इंटरनेशनल चैनल। आज हम उर्दू कुमार भारती दसवीं जमात की किताब से छठा सबक उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते देखते हैं, जो सैयद यय्या नशीद साहब ने कलमबंद फरमाया है। देखिएगा, पहली बात, इंसान ज़बान के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार करता है। ज़बानें वक्त के साथ साथ तरक्की करती हैं। किसी इलाके में बोली जाने वाली ज़बान जब अपने आसपास मौजूद दूसरी ज़बानों के ताल्लुक में आती है तो फितरी तौर पर उसका असर भी कबूल करती है। एक ज़बान के अल्फाज जब दूसरी ज़बान में शामिल होते हैं तो वो मज़ीद तरक्की याफ्ता होती चली जाती है। उर्दू ज़बान ने भी कई ज़बानों के असरात कबूल किए हैं। अदब समाज का आईना है। समाज में जो भी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं उनके असरात अदब पर पड़ते हैं। समाजी अकदार, रसूमात, रिवाज और तहजीबी वो तमद्दुनी रिवायात से अदब मौजूआत अखस करता है और उन्हें समाज में पेश करता है। समाज में नशोनुमा पाने के दौरान बाज मरतबा किसी ज़बान का अदब दूसरी ज़बान के अदब को मुतासिर करता और दूसरी ज़बान की अदबी रवायतों को भी कबूल करता है। उर्दू के असरात की वजह से मराठी में जिस तरह गज़ल को फ़रोग हासिल हुआ, उसी तरह मराठी के असरात की वजह से उर्दू में कई मराठी अशनाफ को कबूल किया गया। दर्ज ज़ैल सबक में उर्दू मराठी के बाहमी सकाफ़ती असरात का जायज़ा लिया गया है। जान पहचान, सैयद यय्या नशीद यकम जनवरी 1950 को कुलगांव ज़िला एवत महल में पैदा हुए। 41 साल दर्स तदरीस के पेशे से वाबस्तगी के बाद 2007 में वो बहसियत हेडमास्टर मुलाजमत से सुबुकदोश हुए। आपको तहकीक व तनकीद से भी गहरी दिलचस्पी है। उर्दू में हमद व मनाजात, इस्तोरी फिक व फ़लसफ़ा, उर्दू मराठी के तहजीबी रिश्ते आप की काबिल ज़िक्र तसानीफ़ हैं। अदबी खदमात के एतराफ़ में आपको सेतु माधव राव पगड़ी अवार्ड, मौलाना काजी सज्जाद हुसैन अवार्ड और हफीज़ मीरठी अवार्ड से नवाजा गया है। देखते हैं यहाँ से सबक की इब्तिदा होती है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की बूदोबाश और तहजीब व तमद्दुन के आसार 8वीं सदी ईस्वी से पाए जाते हैं। अरब ताजिर मसऊदी और याकूत की किताबों में चोल और थाना में मुस्लिम बस्तियों की निशानदही की गई है। वल्लभ राय गोविंद सोम 814-793 ईस्वी और अमोघ वर्ष 877-814 ईस्वी के दौरे हुकूमत में तो मुसलमानों में शरई उमूर की पासदारी के लिए मुसलमान नाजिम मुकर्रर किया जाता था, जिसे मुकामी ज़ुबान में हुनरमंद कहते थे। ये गैर मुस्लिम बादशाह मुसलमान मुजरिमों को शरीयत के मुताबिक सज़ा दिया करते थे और हुनरमंद के इंसाफ पर तकिया किया जाता था। इत्तेहाद व इत्तेफाक़ की बदौलत यहाँ की हिंदू मुस्लिम सकाफ़त एक दूसरे से मुतासिर होती रही और एक दूसरे को मुतासिर करती रही। इस पर मुस्तजाद यहाँ की रूहानी तालीम, जिसके सोते सूफी संतों की खानकाहों से फूटे, उन्होंने ज़ाहरी रंग ढंग को उजालने की बजाय बातिन को मुजल्ला किया, क्योंकि वो जानते थे कि ज़ाहरी एतबार से तो आदमी का मज़हब अलग अलग हो सकता है, बातिन में अलबत्ता उसकी रूह एक ही है। यही वजह है कि यहाँ खानकाहों में हिंदुओं के गुरु और मुठों में मुसलमानों के मुर्शद
आपस में हम रिश्ता दिखाई देने लगे थे। गरस के महाराष्ट्र में खुसरवाना या खुसरवाना जाहो जलाल और दरवेशाना फ़क्रवाल के माबैन यगानगत और भाईचारे की नशोनुमा होती रही और इस साजगार माहौल में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के अकीदों का एहतराम करने लगे थे। समाजी दूरियां ख़त्म होने लगी थीं और सकाफ़ती रिश्ते मजबूत होने लगे थे। ऐसे हालात में ज़बानों के इश्तराक और बिला तफरीक इस्तेमाल ने उनके अदब पर भी असर डाला। चुनांचे मराठी के सूफ़ी शायर शेख मोहम्मद का ये शेर ज़बानों की सकाफ़ती यकजहती की उम्दा मिसाल पेश करता है। दोनों अखियां का एक ची देखना, दुई भाषी वर्नीला एक ची जाना। दोनों अखियां का एक ची देखना, दुई भाषी वर्नीला एक ची जाना। यानी जिस तरह दोनों आंखों से हम एक ही चीज़ देख सकते हैं, उसी तरह दो जबानों में एक ही मज़मून बयान हो सकता है। शेख मोहम्मद ने अपनी बाज़ मराठी नज़मों में एक मिसरा मराठी का तो दूसरा उर्दू का लिखा है। इस तरह की शेरी सनात को तलमीह कहते हैं। इस दौर या उस दौर में उर्दू और मराठी ज़ुबान वो अदब को करीब लाने की ये कोशिश काबिल तारीफ कही जा सकती है। यही रिवायत हमें मराठी संत शायर एकनाथ महाराज की मराठी नज़्म हिंदू तर्क संवाद में भी दिखाई देती है। उन्होंने रसूल अकरम की एक नात भी लिखी है जो गैर मुस्लिम शोरा के नातिया कलाम का अवलिन नमूना है। इस तरह नफ़रत की बीखकनी करने और तमाम नुए इंसानी में भाईचारा और मोहब्बत पैदा करने के लिए मराठी के उन संत शायरों ने धर्म जात पात और ज़बान के इम्तियाज़ व नफूक इम्तियाज़ व तफवुक से हटकर इंसानी फलाह का रिश्ता हमवार किया। बाहमी रफाकत अब यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि किस तरीके से जो है बीखकनी करना यानी ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ना जी, और तफवुक यानी बरतरी। तो यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से समझाया जा रहा है कि किस तरीके से जो है उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते मज़बूत और मुस्तहकम हुए, ये आप देख सकते हैं। बाहमी रफाकतों का ये सिलसिला उर्दू में भी पाया जाता है। चुनांचे 17वीं सदी के मारूफ बुजुर्ग सैयद अमीन ने मजजूबुस सालकीन लिखी थी। इस किताब की तालीफ का सबब बयान करते हुए उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि मस्कूर करूं सूफियाए हर दो कौम का बीच दखनी जबान के मेरे जियो में आया कि मुसलमानी हो और हिंदुवी मज़हबी लफ्ज़ा जमा कर वास्ते सूफियान हर दो कौम के एक रिसाला बनाऊं। सैयद अमीन ने इस किताब में मराठी मुहावरों और कहावतों का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। शिवाजी महाराज के दौर के मशहूर संत रामदास स्वामी के शागिर्दों में शाह तुराब चिश्ती का भी नाम लिया जाता है। उन्होंने अपने उस्ताद की मशहूर मराठी किताब मनाचे शलूक से मुतासिर होकर दखनी जबान में मन समझावन लिखी थी। इन दोनों किताबों की खूबी यह है कि इनकी बहर एक ही है और बाज मजामीन में भी यकसानियत पाई जाती है। ये किताबें आदमी की अंदरूनी इस्लाह और समाजी फलाह के लिए लिखी गई थीं। इस तरह हिंदू और मुसलमान शोरा की ये सारी कोशिशें उर्दू और मराठी के अदबी रवा और रवाबित को मजबूत करने में बड़ी अहमियत की हामिल रही हैं। अरबी फारसी
और उर्दू में मरसिए को वक़ार हासिल है। ये एक अदबी शेरी सिन्फ है जिसे मराठी में रवायती कहा जाने लगा। फ़र्क इतना था कि रवायती नोहा और बीन के कबील की सिन्फ बनकर मराठी में गाई जाने लगी। इसके बरअक्स भारवड़ खालिस मराठी सिन्फ रही है। इसमें रमजिया हकीकत को आश्कार किया जाता है। उर्दू में ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह ने अपना रिसाला शिकारनामा इसी उसलूब में लिखा है। मराठी में एक नाथ के भारवड़ बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर हैं। उर्दू मराठी के ये अदबी धारे आगे बढ़कर महाराष्ट्र की सकाफत को भी अपने में समो लेते हैं। देखिए किस तरीके से ये रिवायत आजकल की नहीं है, जिस तरीके से यहाँ पर पेश किया जा रहा है, दलीलों के साथ गुफ्तगू की जा रही है, ये आजकल की रिवायत नहीं है। उर्दू और मराठी के रिश्ते मुस्तहकम होने की, यहाँ की सकाफत में फुगड़ी के खेल को मजहबी तकद्दस हासिल है। नाग पंचमी के त्यौहार पर औरतें फुगड़ी खेलती हैं। फुगड़ी इस खेल में दो औरतें एक दूसरे के हाथ पकड़कर गोल घूमती हैं। घूमते वक्त ज़मीन पर पाँव का जमाव और पुश्त की जानिब जिस्म का पूरा झुकाव होता है, इसलिए एक दूसरे के हाथों को मजबूती से पकड़ा जाता है। कितनी अच्छी बात है, देखिए खेल के साथ एक दूसरे के हाथों को मजबूत, खेल के खेल है लेकिन एक दूसरे के हाथों को मजबूती से पकड़ा जाता है। पूरी कुव्वत से घूमने की वजह से सांस फूलने लगती है और हू हू की आवाज़ मुंह से निकलती है। फुगड़ी के खेल के इन नुकात को जहन में रखकर उर्दू में बाज फुगड़ी नामे लिखे गए हैं। एक कदीम दखनी शायर फरीद के फुगड़ी नामे में जिक्र दम की तालीम दी गई है। अब ये एक बड़ा अहम पहलू इसमें पेश किया जा रहा है, दम की तालीम दी गई है। चिश्ती सिलसिले के सूफियों में जिक्र दम की बड़ी अहमियत है। सांस अंदर लेते वक्त अल्लाह और खारिज करते वक्त हु का विर्द इसमें किया जाता है। बाद सूफिया दोनों जगह अल्लाह अल्लाह को विर्द को अल्लाह अल्लाह के विर्द को रवा रखते हैं तो बाद सिर्फ हु पर इक्तफा करते हैं। फरीद ने अपने फुगड़ी नामे में इसी जिक्र का रियाज कराया है। फ़कीरुल्लाह शाह ने अलबत्ता अपने फुगड़ी नामे में कहा है कि जिस तरह फुगड़ी के खेल में हाथों के छूट जाने और पैरों के डगमगा जाने से दूर फेंके जाने का खदशा रहता है, इसी तरह सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए नफ्स और शैतान के वसवसों से पांव डगमगा जाए और अल्लाह की रस्सी हाथ से छूट जाए तो दोजख के अमीक गड़े में गिर जाओगे। मराठी लोक अदब में जाते गीत यानी चक्की पर गाए जाने वाले गीतों की रिवायत रही है। औरतें बिलमूम सुबह के वक्त पत्थर की चक्की पर अनाज पीसा करती थीं। चक्की पीसते वक्त थकान दूर करने के लिए औरतें गीत भी गाती थीं। ये लोक गीत मराठी शायरी का एक हिस्सा बन गए। लोकबाग में जो गीत मशहूर हुए वो लोकगीत जो मशहूर हो गए, ख़ास तौर पर बहुत सारे लोकगीत हैं। तो ये जो इस किस्म के लोकगीतों की वजह से भी समाज में एक इस्तेहकाम रिश्तों का पैदा होता रहा है, ये लोकगीत मराठी शायरी का एक हिस्सा बन गए। उर्दू में तालीम निस्वा यानी औरतों की तालीम के लिए हमारे सूफिया कराम ने इसी कबील के गीत चक्की नामे के उन्वान से लिखे हैं। इनमें एक चक्की नामा ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। इस गीत में कहा गया है कि तन की चक्की को शरीयत की कील पर ईमान के दस्ते के सहारे इतना घुमाओ कि सौतन यानी शैतान थक जाए। इससे पता चलता है कि औरतों के मिजाज और उनकी नफ्सियात को पेश नज़र रखकर ही इस तरह के चक्की नामे लिखे गए हैं। मीरा जी और फारूक
फारूकी, दखनी के चक्की नामे भी उर्दू के लोक अदब में शुमार हो सकते हैं। इनके अलावा तरबियत निस्वा के लिए जिस तरह मराठी में पालने गीत, भोपाली वगैरह लिखे गए हैं, उर्दू में लोरी नामे, झूल नामे, सुहागन नामे जैसी नज़में औरतों की इस्लाह के लिए लिखी गई हैं। उर्दू में इस अदबी सकाफत को मराठी की तकलीद कहा जा सकता है। इन मंजुमात में अगरचे अदबियत की कमी है, लेकिन अवामी अदब में इनका मकाम मुसल्लम है, यानी तस्लीम किया गया है, मुसल्लम यानी तस्लीम किया हुआ है। इस तरह से देखते हैं आप, ये मानी व इशारात भी बड़े बेहतर ढंग से इसमें दिए गए हैं। तकिया करना, भरोसा करना, पासदारी, बजा आवरी, लिहाज, मुस्तजाद यानि जायद, खानकाह यानि सूफियों की तालीम गाह, बातिन अंदरून, मुजल्ला करना, रोशन करना, खुसरवाना, शाहाना, जाहो जलाल, शानो शौकत, फ़ख्र हाल यानि गुरबत अफलास, इश्तराक यानि मेल जोल, शराकत दारी, एकची यानि एक ही, तुर्क यानि मुराद मुसलमान, दुई यानि दो, भाषी यानि ज़बान, वर्नीला यानि बयान किया गया, जाना यानि जानिए, बीख कनी करना यानि ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ना, तफवुक यानि बरतरी, जीव यानि जी, लफजां यानि दखनी में लफ्ज़ की जमा है लफजां, रिसाला छोटी किताब यानि किताबचा, खदशा डर खौफ, फिर है अमीक यानि नहायत गहरा। हम कहते हैं ना अक्सर बात बात में कि दिल की अमीक गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ या आपका इस्तकबाल करता हूँ, इस तरीके का हम जब अमीक का इस्तेमाल करते हैं, नहायत गहरा। पालने गीत यानी लोरी नामा, पालने गीत यानी लोरी नामा, जिस तरह बच्चा जब सोता है झूले में, पालने में उस वक्त ये माँ जब गाती है या उसको सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो लोरी नामा कहलाता है। भोपाली, बच्चों को सुबह नींद से जगाने के लिए गाया जाने वाला गीत, मुसल्लम ने तस्लीम किया हुआ। इसी तरीके से मशकी सरगर्मियां हैं, तो मशकी सरगर्मियों को हम फिर दोबारा किसी वक्त बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे। इसमें इजाफी मालूमात दी गई उर्दू का अवामी अदब। आम तौर पर अवामी अदब तहरीरी शक्ल में नहीं होता, बल्कि सीना बसीना चला आता है। अवामी अदब लोकगीत, लोक नाच और लोक नाटक किसी न किसी सूरत में दुनिया भर की इंसानी तहजीबों में ज़रूर पाए जाते हैं। अवामी अदब का मेयार अवामी सतह का होता है, इसे मेयारी अदब के उसूलों पर परखा नहीं जाता। अवामी अदब में मसनूइयत इन आर्टिफिशियलपन या आर्टिफिशियल मामला जो है बिल्कुल नहीं होती, मसनूइयत नहीं होती, बल्कि जहन में उठने वाले ख्यालात और दिली जज्बात फितरी तौर पर बयान कर दिए जाते हैं। ये अदब इस्लाही और तफरीही किस्म का होता है। महाराष्ट्र की सूबाई जबान मराठी में अवामी अदब की रवायत नहायत मुस्तहकम है। यहाँ के संतों ने लोकगीतों का सहारा लेकर अवामुन्नास की इस्लाह करने की कोशिश की है। उन्होंने औरतों की इस्लाह के लिए जाते गीत, पालने गीत, भोपाली, पोड़ी गीत वगैरह निस्वानी नफ्सियात को सामने रखकर लिखे हैं। उर्दू के सूफियाए कराम ने भी ऐसे अवामी गीत लिखे हैं। इनमें चक्की पर गाए जाने वाले गीत चक्की नामे, बच्चों को झूले में सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत लोरी नामे, चरखा काटते वक्त गाए जाने वाले गीत चरखी नामे कहलाते हैं। सूफियों ने इन गीतों में अवामी बोली और अवामी रहन सहन को शामिल करने के जतन किए हैं। उर्दू में ढोल के गीत, शादी के मौके पर गाए जाने वाले गीत इसी कबील के हैं। कितने अच्छे ढंग से ये बात पेश की गई है, देखिए। फिर शजरकारी इजाफी मालूमात में यहाँ पर दी गई है। दरख्तों और जंगलात की अंधाधुंध कटाई ने माहौल का तवाज़ुन बुरी तरह बिगाड़ दिया है। इसकी वजह से न सिर्फ इंसान बल्कि नबातात और हैवानात के लिए भी कई मसाइल पैदा हो गए हैं। इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ा मसाला ग्लोबल वार्मिंग का है, सबसे बड़ा मसाला है। इस शदीद बहरान ने दुनिया के हर मुल्कों को परेशान कर रखा है, और आए दिन इसके सद्देबाप के लिए, इसकी रोकथाम के लिए,
सद्य बाप के लिए जलसे मुनक़िद हो रहे हैं। इस खतरे से निमटने के लिए हम हर साल शजरकारी करते हैं, घरों, स्कूलों और खेतों में पौधे लगाते हैं। हमारी मजहबी किताबों में भी शजरकारी की तरगीब मिलती है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरकारी को सराहते हुए अपनी उम्मत को दरख्त लगाने की तरगीब दी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेत में बीज बोए, फिर इसमें से परिंदा या जानवर जो भी खाते हैं और उसकी तरफ से सदका होता है। कमाल, जो भी खाते हैं वो उसकी तरफ से सदका होता है, यानी जिसने बीज बोया है, जिसने बीज बोकर पौधा उगाया और उसके बाद वो जिसको भी उससे फ़ायदा पहुंचता है, तो यहाँ पर वो फ़ायदा जो है वो उस शख्स की तरफ से जिसने बीज लगाया सदका होता है। एक रिवायत का मफहूम है कि जब कोई किसान खेती करता है तो पौधों का पत्ता पत्ता जब अल्लाह का जिक्र करता है तो इसका सवाब खेती करने वाले को मिलता है। सुभान अल्लाह। एक रिवायत का फिर देखिए, बड़ी अच्छी बात है। एक रिवायत का मफहूम है कि जब कोई किसान खेती करता है तो पौधों का पत्ता पत्ता जब अल्लाह का जिक्र करता है तो उसका सवाब खेती करने वाले को मिलता है। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद देखिए, मैं भी हैरत हूँ, उनवान से एक कलम है। आपने कभी सोचा है कि आप अपने किसी फ्रांसीसी दोस्त से मोबाइल फ़ोन पर उर्दू में बात करें और वो उसे फ्रांसीसी में सुने, या कोई अरब अरबी में बात करे और उसे आप उर्दू में सुने? अब ये मुमकिन है। कमाल है, कैसे मुमकिन है? इसके लिए आपको एक ख़ास किस्म के हेडफोन का इस्तेमाल करना होगा, जिसे इंटरनेट के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने मुतारिफ़ कराया है। ये 40 जबानों में तर्जुमा करने वाला हेडफोन है। ये पिक्सल बिट और मसनवी ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की बदौलत एक ज़बान को दूसरी ज़बान में तर्जुमा करने की खसूसियत रखता है। ऐसा हेडफोन इस्तेमाल करके हम किसी भी गैर ज़बान को मोबाइल पर आसानी से समझ सकते हैं। ये सिर्फ तर्जुमे की हद तक महदूद नहीं, अगर हम किसी को फ़ोन करना चाहें तो मोबाइल हाथ में पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। हेडफोन के माइक में हिदायत दें और वो फ़ोन पर रابطہ कायम कर देगा। है ना दिलचस्प बात, है ना दिलचस्प बात। तो ये आज 21वीं सदी जो इलेक्ट्रॉनिक सदी कहलाती है, ये इसी का फैज़ हम हासिल कर रहे हैं। फिर अमली कवायद में जो है बहुत अच्छे ढंग से आपको यहाँ पर ये बहुत ही बेहतरीन मालूमात फराहम की गई है। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से जो है ये मालूमात आप तक पहुंच रही है, जिसमें मुरक्कब जुमला बताया गया है। जैसे अमली कवायद मुरक्कब जुमला, तहरीक आज़ादी का दरख्त बरगुबार लाया तो इसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं कि इलाहाबाद में कांग्रेस का एक जलसा था, उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी तराश सीख ली और दर्जी का किस्सा ही पाक हो गया। ऊपर की मिसालों के जुमले दो दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। इन में अल्फाज तो के और तिरछे खतूत के दरमियान लिखे गए हैं, अपने से पहले और बाद आने वाले हिस्सों को जोड़ते हैं। ऐसे जुमलों का हर हिस्सा आज़ाद फिक्रा कहलाता है। अगरचे ये अपनी जगह पूरा जुमला भी है, जब ये आज़ाद फिक्र हरूफ अतफ तो मगर के और वगैरह से जोड़े जाते हैं तो इनसे मुरक्कब जुमला बनता है। आज़ाद फिक्रों को जोड़कर मुरक्कब जुमला बनाने के लिए फिर वरना लेकिन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद नीचे दिए हुए जुमलों के कौसैन में दिए हुए लफ्ज़ों से जोड़कर मुरक्कब जुमले बनाइए। जैसे दावत का वक्त आया तो 00 मेहमान के लिए ड्योड़ी में चटाई बिछा दी। अब यहाँ तो जो है वो खाली जगह में आप दे सकते। तकिया दाहनी बगल में है, 00 बाई हाथ में लोटा है, तो यहाँ पर और जो है का यहाँ खाली जगह में और लिख देंगे तो जवाब पूरा हो जाएगा। वो एक जिंदा दिल इंसान थे। 00 ये सब अहदे शबाब की बातें हैं, मगर ये सब
जुमला किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। नंबर चार है, जेल तो हजारों लोग गए, सिफर सिफर उनकी ज़िंदगी से हम नावाकिफ हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी से हम नावाकिफ हैं। पांच नंबर है, वो गौर व फिक्र के आदि न थे, सिफर सिफर इनमें तदब्बुर की कमी थी, यानी मगर इनमें तदब्बुर की कमी थी। तो ये सेंस जो है आपका शऊर चेक किया जाता है। पेपर में अक्सर बेशतर जो है अमली कवायद इस तरीके के पूछे जा सकते हैं, और वो सेंस जो है, वो शऊर जो है, वो आपका शऊर का इम्तिहान लिया जाता है। तो आप देखिए, ये सबक बहुत अच्छा था, इसमें जो है इजाफी मालूमात भी हमने देख लिए। बकिया जो है मशकी सरगर्मियाँ आप देखिए, इसे आप हल करें, समझें, और ये होमवर्क आप जो है घर पर बैठकर इसको सवालों के जो जवाबात है वो आप लिखें, बहुत आसान है। और इसी तरीके से ये सबक यहाँ समाप्त होता है, ख़त्म होता है। अब दीजिए इजाज़त अलीम ताहिर को, फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम और नए लेसन और सबक के साथ। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी तमाम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।